मैं पहला इंडियन बंदा हूँ सेलोनियर में, पहले बंदे ऐसे हैं जिन्होंने ये वाली एक्टिविटी की है। गुड मॉर्निंग गाइज, तो वेलकम है एक नए व्लॉग में। और आज हम जा रहे हैं जेट स्की करने के लिए, काफ़ी लेट हो गए हैं। टैक्सी वाला पिछले 15 मिनट से नीचे वेट करता है। तो अपनी गाड़ी आ गई है टैक्सी, और ये अपने को लेके जाएगी अपने जेट स्की की टूर तक। थैंक यू। तो अभी हम फुल एक्साइटेड हैं, और 5 आइलैंड हम कवर करने वाले हैं, और 5 आइलैंड्स पे हम दो ही होंगे अकेले, प्राइवेट आइलैंड्स काइंड। बहुत तेज बारिश हो रही है बाहर, और देखते हैं आज जेट्स की होगी या नहीं। बाकी दिल दुख दुख कर रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है हमारा, वो भी अकेले पानी के अंदर जेट्स की लेके जाने का। फुल तेज बारिश हो गई और अभी 5 मिनट में हम पहुंचने वाले हैं। तो गाइज अभी हम आ गए हैं जेट स्की चलाने, और ये जेट स्की वगैरह हैं, इनके ऊपर हम जाने वाले हैं। अब कौन से वाली पे जाएंगे ये मुझे कंफर्म नहीं है, और हमने अपने फॉर्म्स वगैरह साइन कर दिए हैं। ये हमारे फॉर्म्स, इन्होंने सिग्नेचर करवा लिए हैं कि इनकेस कोई भी लाइक प्रॉब्लम होती है, डूबते हैं और कुछ अनहोनी होती है, तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं, ये नहीं है। ये बस हमें गाइड करेंगे। एंड हमने ये कैरी किए हैं क्योंकि बारिश हो रही है काफ़ी ज़ोर से, और चश्मा हटा दिया। बाकी ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ये बाय कर लो, आंखों पे पानी आएगा, बट आई वांट टू टेक रिस्क बिकॉज आई थिंक इट्स नॉर्मल। बारिश रुक गई है तो शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सलोनी अभी वॉशरूम गई है, आने के बाद हम यहाँ से निकलेंगे। और इन्होंने बोला कि वॉशरूम जो करना है कर लो अभी, उसके बाद आपको कम से कम 5 घंटे हम वाटर के अंदर रखेंगे। और जस्ट जेट स्की मुझे ही ड्राइव करनी है, और ये मेरा फर्स्ट टाइम है। थोड़ी सी दुख दुख हो रही है, पर लेट्स सी। तो पड़ेगा ना गोप्रो की सेटिंग करते हुए, ये हमें गाइड करेंगे। व्हाट्स योर नेम? माओ। माओ यू? नितेश। नितेश, यू कैन कॉल मी निनी। निनी ओके। उधर जाएंगे गाइस हम। तो रेडी आप? यस। तो हम चल दिए हैं। अननु, आर यू एक्साइटेड? ओह, हमारी जेट्स की उधर खड़ी है, वो देख रहे हो, वो जेट्स की हैं, उनके ऊपर जाना हमने। तो आज हम 6 आइलैंड कवर करेंगे। अप्रोक्स 6 आइलैंड्स वी आर कवरिंग टुडे। आई थिंक ये जेट्स की है हमारी जिस पे हमने जाना है। We are excited. उठा ले उठा ले। तो अभी हम जा रहे हैं भैया को फॉलो करने, ये हमारे पीछे भी निकलेगा। लो है, चला लेंगे। डरिए मत बस। या गाइस, मजे आ रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं 5 आइलैंड्स कवर करने। Go straight. वो तो तेज चला लेगा ना। डरिए मत काकू, कभी कूल रही है, ठीक है? ओके। बाकी लागता बनी ना, मैं सही में फर्स्ट टाइम चलाऊं। बाकी सा लागे तो मना हुआ है चलाने। तो कहता है मैं ब्रेक नहीं होते, नहीं मैं ब्रेक नहीं होते, आइलैंड को राय बात मंदी कर लिए। ना ना, मैं जाना आराम से। बाकी इतना कुछ खास फील ना होता, बल ना गोबड़ खाबड़ में स्कूटी चलाऊं। ओ भाई, जिंदगी का एक ड्रीम और पूरा हो गया। डरिए मत, ठीक है? बाकी ना मंदी करे ना तो फील हो है, तेज में फील ना होता। ले लोड आ, 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 आ,
अगर हम गिर जाएं तो कूल रहना है, ठीक है? अगर हम गिर जाएं तो डरना नहीं है। थोड़ी थोड़ी रिप्ट है हमें। इसका ना अपोजिट सिस्टम है, लेफ्ट दाना तो राइट घुमानी, राइट दाना तो लेफ्ट। और स्पीड स्पीड में और नॉर्म बंदी हो तो राइट करोगे तो राइट जागी, लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट। ये भाई ये हाँ अकेले है। ओ भाई पाँच सौ का तगड़ा व्यू है। जय भोले बाबा की, जय हो भोले बाबा। दे दे नोट छापन की मशीन, सबकी बजा दू दिन दादूंगा जमा कर। ओ घबरा जमानी टाटा रे। ओ ओ ये ये याहू, कहे मुझे जंगली कहे डडड़े, कहने को जी कहता रहे डडड़े। हम प्यार के तूफानों से गिरे हैं, हम क्या करें। ला 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 डडड़े। देखता तो रहे है, देखा तो है बंदा। मासीन दे समुद्र के अंदर आगे बारिश है भाई। गाइस बारिश आ गई है और यहाँ का बारिश का पानी भी नमकीन है। ये थोड़ा सा पिए था पी है यार भाई, थोड़ा पिए था पी है। बारिश में चल गया बारिश। देख नमकीन पानी है बारिश का, बारिश का नमकीन पानी है। कौन सा आइलैंड है? नाड़ है, रुक कर रहे हैं। हेलो तो गाइज अभी हम हैं खावसान बीच पे और इस पे लोग रहते हैं जो मछलियाँ वछलियाँ पकड़ते हैं। बाकी रेनी वेदर है काफ़ी और इसलिए देखो इस तरह की चीज़ें से बताना है नन्नू, जैसे ये पड़ा है ठीक है, पैर मन लगने चाहिए। ओके तो लोग यहाँ पे रहते हैं, लोग यहाँ पे रहते हैं और इन्होंने बोला कि ये लोग फिशिंग वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे जो लोग फिशिंग करते हैं वो रहते हैं जो मछलियाँ वगैरह पकड़ते हैं। और इससे आगे अभी हम जाने वाले हैं मंकी बीच पे, और मंकी बीच पे बंदर वगैरह मिलेंगे। चल के दिखाते हैं कि वो बंदर क्या करते हैं, कैसे रहते हैं। कैसी लगी नन्नू आपको राइड? मस्त है। बाकी राइड अच्छी थी, मज़ा आया यार, मतलब लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, डेफिनेटली करना चाहिए आप लोगों को। ऐसा कुछ दिखता है ये बीच, वहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ पे जाना हम चाहते नहीं क्योंकि बोल रहे हैं कि वेदर कंडीशन अच्छी नहीं है। तो इधर से हम जल्दी निकलेंगे ताकि सी लेवल ना बढ़े और चलाने में हमारे को दिक्कत ना हो। और ये अपनी जेट्स की है भाई, मस्त चलती है, मज़ा आ गया सच में। और अभी हम 5 घंटे ऐसे ही घूमेंगे ठीक है। बारिश हो रही है बहुत तगड़ी, ये देखो हम भीग गए हैं बिल्कुल। यहाँ तक तो गाइस सब ठीक चल रहा था, पर यहाँ से निकलने के बाद हमारे लिए सबसे मुश्किल घड़ी आने वाली थी अगले 15 मिनट। और उन 15 मिनट में हमें अपनी बॉडी में एक वाइब्रेशन फील हो रही थी जो इन वेव्स की वजह से थी। और ये वेव्स वीडियो में देखने में इतनी हाई नहीं लग रही, बट जेट स्की के ऊपर से पानी आ रहा था तो हम कुछ टाइम के लिए डर गए थे। लेकिन हमने हार नहीं मानी और ना ही
उस डर को अपने ऊपर हावी होने दिया। हम आगे बढ़ते रहे इन वेव्स के ऊपर से अपनी जेट स्की को उतारते हुए। काफ़ी देर चलने के बाद हमें अपनी मंजिल दिखाई देने लग गई थी और मंजिल देखकर हमें एक सुकून सा मिलना शुरू हो गया और ऐसा लगने लगा कि हम अब पहुंचने ही वाले हैं। पर यह दिखाई जो दे रही है वो तो देखने में पास लग रही थी, पर अभी भी हमें यहाँ से कम 10 मिनट और लग गए वहाँ तक पहुँचने में। स्वाद आया, बाकी डर तो लगा था, मेरी तो पार्ट की थी। सही बताऊं तो काकू तुम्हें घनी तेज वेव नहीं आई थी? अच्छा ये अपन के बीच है। ये अपन के बीच है काकू। मंकी बीच है गाइस, और इस बीच पे बंदर बंदर रहते हैं। बाकी बारिश है तो बंदर शायद मुझे नहीं लगता दिखेंगे। और अब हम फाइनली पहुंच गए थे मंकी आइलैंड पर, जहाँ पर हमने काफ़ी सारे बंदरों को देखा जिनकी बड़ी बड़ी मूछें थी, लंबी सी पूंछ थी, और वो हमारी जेट स्की पर आकर बैठ गए। हमने उनके साथ काफ़ी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई और कुछ रील्स भी बनाई जो हमने इंस्टाग्राम पे डाली हैं, आप जाकर इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। Oh, you know how to open? No. Nothing in this. Okay. Start कर देते हैं तो ये समझ जाएगा कि कहाँ है। और
यहाँ से हम अब निकलने वाले थे इन बंदरों को अलविदा कहते हुए अगले आइलैंड की तरफ। अरे आइलैंड आगे दौरा कौन है, थोड़ा बीच में थी बारिश कसू थी बना रहा है चीज से यार है कसू। सही पानी काट है लेके जावेंगे क्या अपन, ज्यादा डिस्टेंस फील ना होवे। वो यार बंदर नो है पियर कुल लेगा अपना ये मैं उठ भी कह दू थोड़ा बहुत ठीक है, जब घनी लंबी ऊंची वेव आवे ने जंप आवे तो उड़ा तू उठ सके है ओके, तो अगर मैं उठू फिर झटका ना लगेगा। बाकी सही बंदा है ना, मतलब पूरे मजे दवा रहा है ना, मतलब सिर्फ एक बंदा होता है ना। और गाइड हमें इस नए आइलैंड पे लेके आया जिसका नाम नाकानोई आइलैंड है, और यहाँ पे कुछ आदिवासी लोग रहते हैं, और हम दूर से ही इस आइलैंड को देख के हम दूसरे आइलैंड की तरफ निकल गए, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। आधा हो गया तेल, ऐसा तेल आधा हो गया।
Done. One hour. We stay here. Lamale. Water. Okay. One bottle. One. Water or coconut water? One. This is water? No, one enough. Okay. It's deep. काकू ले आओगा निकल ले बच गया मैं तो लेकिन नहीं दिया स्नॉर्कलिंग खातर। गाइस अभी हम आ गए हैं पन्या बीच पे और हमने अपने कपड़े वो लाइफ जैकेट्स वगैरह उतार दिए हैं। अब यहाँ पे हम इंजॉय करेंगे। तो गाइस अभी हमने स्नान कर लिया है और अभी हम फोटोज क्लिक करेंगे काफ़ी सारी और स्कूबा डाइव करेंगे। ये जो दिख रहा है ना, ये बॉर्डर लाइन सी सेफ्टी एरिया, इसके अंदर हम डाइव करेंगे और स्नॉर्कलिंग के लिए उन्होंने कुछ दे रखा हमारे को, वो यूज़ करेंगे। और मज़ा आया, फुली रिकमेंडेड है, आप लोग कर सकते हैं। ओ बच गया। और फिर हम लेंगे। हेलो काकू। It's scary, guys. चले वो खाली है पानी वाला। हाँ। चप्पल निकाल लिए यार, बहुत तेज धूप है ननू, बाकी जलान का काम है। जुल कुकु कुकु कुकु, ये मेरा दिल पागल, मेरा काकु पागल। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ पानी के अंदर। मैं झूलूंगा झूला। मेरा नीचे है दोस्त। ये जेट्स की हमारी इनमें आए भाई, बहुत अमेजिंग था और मजा आ गया चला के। मतलब लाइफ का ना फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मेरे को लगा नहीं कि मैं चला पाऊंगा, पर जब मैंने राइड करी ना, पहले तो नॉर्मल लगा, पर जब बारिश आई ना और वेव बहुत ज़्यादा फास्ट हुई उस टाइम पे ना, मेरी भाई साहब ऐसे धड़कने ऐसे बढ़ गई, मेरे को लगा कि भाई कहीं डूब ना जाऊँ, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं और पाल ली हमने जेट्स की कल। और ये नहीं का मजा ले रहा वेव, मतलब बहुत ज़्यादा तेज भी नहीं है, बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं। ठीक है चलेगा तू। तो अभी हम कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर रहे हैं। नानू मेन्यू। ओके खाना ही खा लेते हैं, भूख सी लग गई थोड़ी थोड़ी, है ना। वेज के ऑप्शन बर्गर, ये ऑर्डर वेज के ऑप्शन बहुत कम है। हाँ ये फ्रूट खा लेते हैं, ठीक है फ्रूट ले लेते हैं, एक फ्रेंच फ्राइज ले लेते हैं, ठीक है दो ही लेते हैं। और ड्रिंक में क्या लेगा? ये है मौजूदा फ्रोजन कॉकटेल, पाना सोना पेशन कोको को फन्ना फ्लेवर, बियर हमने पीनी नहीं। ओके एक ही ले लेते हैं या फिर एक ही कोकोनट ही ले लेते हैं। कोकोनट फ्रूट खाना नहीं, फूड भूख नहीं है। ड्रिंक में ओके वन पाइनएप्पल स्मूदी एंड वन फ्रेंच फ्राइज एंड वन मिक्स फ्रूट। ओके ओके थैंक यू। तो ये यहाँ पे कैफे है गाइस और यहाँ पे आप ऑर्डर कर सकते हो।
बाकी सिटिंग फ्री है अंदर वाली साइड पे, और ये वाली पेड है 50 बात लेते हैं यानी अप्रोक्स 120 रुपये। और ये वाला जो एरिया, इस पर आप स्विम कर सकते हो, डाइविंग कर सकते हो। तो गाइस हमारे लिए अभी आ गया है फूड प्लेटर एंड स्मोकी, और ये भी कि हम अपने आप को रिफ्रेश करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे आफ्टर 20 मिनट, एंड उसके बाद हमारे दो आइलैंड्स और रहते हैं वो कवर करके हम फिर वापस जाएंगे और मिलते हैं दूसरे आइलैंड पे। हमें अप्रोक्स 1 घंटा हो गया है और वेदर फिर से खराब होने लग गया है, आई थिंक फिर भीगते हुए जाना पड़ेगा। और अभी तो हमारे को 1.5 घंटा लग जाएगा वापस जाने में, और कम से कम 1 घंटा जेट स्की चलानी है। तो गाइस अब हम वापस जा रहे हैं और दोबारा से बारिश आ गई है। मेरे पेरेंट्स नहीं बनता ऐसे। Look aloud. ये हमारा सेकंड लास्ट आइलैंड है और इसमें भी काफ़ी सारे मंकी और अलग अलग तरीके के जंगली जानवर हैं, बट हम कोई रिस्क नहीं लेंगे इस पे जाके क्योंकि हमें जान थोड़ी बहुत तो प्यार क्या ही। और ये मेरा काकू सी प्रिटेंड लाइक ये चला रही थी जब से। और ये दिस मैन इज वेरी काइंड एंड नाइस, और इसने हमें सारा दिखाया और गाइड किया। और अगर आप लोग भी इधर आते तो इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैं इनका नंबर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और हो गया बदल ना चला ली थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है मुझे अब। आ जाओ मैं इस आइलैंड का नाम रंगाई आइलैंड है और इस पे हम रुकने वाले थे, लेकिन सी लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ था इसलिए टूर गाइड ने बोला कि इस पे नहीं रुकेंगे, हम किसी और आइलैंड पे जाके रुकेंगे।
तो यहाँ से हम फिर से निकल गए दूसरे आइलैंड की तरफ, जहाँ पे हमें इजीली बोट पार करने का स्पेस मिल जाए और कुछ एक्टिविटी करने का समय मिल जाए। तो हम यहाँ से निकल दिए दूसरे आइलैंड की तरफ। काफ़ी घूमने के बाद हमें फाइनली एक आइलैंड मिल ही गया था जिसका नाम मुझे अभी याद भी नहीं है, पर यहाँ आकर मेरा एक और ड्रीम पूरा होने वाला था, सोलो जेट स्की, वो भी फुल फ्रीडम के साथ चलाने का। और मैंने पूरे जोश में जेट स्की चलाने का एक्सपीरियंस किया, जो कि काफ़ी थ्रिलिंग था और बहुत मज़ेदार था। ऐसा एक्सपीरियंस मैंने कभी नहीं किया था और मेरा ये जेट स्की चलाने के बाद बिल्कुल जो डर था ख़त्म हो गया था और अब मैं आज़ाद परिंदे के जैसे इसको भगा रहा था, कुदा रहा था, घुमा रहा था और मैं बिल्कुल डर नहीं रहा था। और जेट स्की मुझे ऐसी लग रही थी जैसे कि मैं स्कूटी चला रहा हूँ, बाइक चला रहा हूँ किसी उबड़ खाबड़ रास्ते पे। और फाइनली मैंने ये एक्सपीरियंस कर ही लिया। आपका धुआं कर ले राइड करते हुए। तो गाइज ये हमारा हो गया टूर कंप्लीट और हम वापस से आ गए हैं हार्बर पे और अभी यहाँ से हम जाएंगे होटल। बाकी मज़ा आ गया, 5 घंटे की एक्टिविटी थी और फुल ऑफ पैसा वसूल थी। नन्नू आपकी क्या ओपिनियन है, तो पैसा वसूल थी, मज़े आए। तो गाइस चलो आपको मैं दिखाता हूँ कि जेट्स की अंदर से कहती है कैसी होती है, इसके अंदर इंजन का कौन सा होता है। बाकी ना फोटोज़ में छोटी लगती है पर वैसे ना काफ़ी ह्यूज है, बहुत बड़ी है। मतलब सोचो कि ये कम से कम 10 फीट से भी ज़्यादा लंबी है, इतनी बड़ी है। तो इनके पास काफ़ी सारी जेट्स की हैं, ये देखो कलरफुल, मतलब बहुत सारी जेट्स की हैं, बहुत सारे लाइफ जैकेट्स हैं। और इसके अंदर का देखो कैसा सा है, ये इंजन है इसका, बैटरी, मतलब छोटा सा इंजन, इतना बड़ा नहीं है। और इसके ऊपर ये टो करके इसके अंदर लेके आते हैं और इसी के ऊपर टो करके शायद ये पानी के अंदर लेके जाते हैं इनको। और एक जेट्स की ये खड़ी, और जो स्पीड बोट होती है ना वो ये होती है। ये स्पीड बोट का कल फीफी आइलैंड का कवर हम करेंगे।
और तब देखेंगे कैसी होती है। मैं इसमें कभी बैठा नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है समुंदर के अंदर जेट स्की का। और ये कुछ ऐसा दिखता है इनका। तो गाइज मैं पहला इंडियन बंदा हूँ सलोनियर में, पहले बंदे ऐसे हैं जिन्होंने ये वाली एक्टिविटी की है, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे एक भी वीडियो नहीं देखा था। और मैंने इन लोगों से भी पूछा कि कोई इंडियन करता है, तो इन्होंने बोला नहीं, क्योंकि ये थोड़ी सी कॉस्टली है तो लोग अवॉइड करते हैं। तो गाइज अभी खाना आ गया है और भैया ने हमारे को खाना दिया है, और ये हमारे लिए वेज ऑप्शन ढूंढ के लेके आए हैं। तो खाना फिनिश करते हैं और होटल के लिए निकलते हैं। तो भाई ये बहुत काइंड है, इनके पास अम्ब्रेला नहीं था, देखो हमारे लिए क्या अम्ब्रेला अरेंज किया है। और अभी हम जाने वाले हैं टैक्सी के अंदर। थैंक यू मैन, ओके ब्रो, बाय। तो गाइज होप आपको ये वीडियो देखकर मज़ा आया होगा, और आप भी अगर थाईलैंड आते हैं तो इस एक्टिविटी को अपनी बकेट लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। और ये मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ये काफ़ी रोमांचक होने वाला है आपके लिए, और आप इस दिन को कभी नहीं भूल पाओगे। तो इस व्लॉग को गाइज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।